गुड इवनिंग बच्चों। तो आपका आर एस करियर इंस्टीट्यूट बायोलॉजी में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे जो अपनी बायोकेमिस्ट्री, उसमें लेक्चर नंबर 13 की ये बस बनाई। तो उसमें एक टॉपिक आता है जिसका नाम क्या है, एनवायरनमेंट प्रेशर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एनवायरनमेंट प्रेशर होता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये सबको पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट प्रेशर होता क्या है। तो जो एनवायरनमेंट प्रेशर है उसको हम किससे जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, MMHg, मतलब जो मरकरी का जो लेवल है उससे डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे जो कोई पहले बीकर था उसमें एनवायरनमेंट प्रेशर लग रहा था, उसकी वजह से जो मरकरी का लेवल है, Hg बोले तो मरकरी, उसका लेवल इतना था। अब बाद में क्या है कि जब इससे जो एनवायरनमेंट प्रेशर को हटाया और इसको कहाँ पर रखा, वैक्यूम में। तो वैक्यूम में जैसे रखा तो एनवायरनमेंट प्रेशर क्या हुआ, वहाँ से हट गया। तो जो मरकरी का जो लेवल है वो कितना बढ़ गया, 760 mmHg। तो मतलब जो एक एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो कितना होता है, 760 mmHg के बराबर होता है। इतनी बात समझ आ गई। अब यहाँ पे जितने भी अपने पास गैसेज है उनका अलग अलग पार्शियल प्रेशर है, जैसे एक नाम आता है, ये बस में ही एक नाम क्या आता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये बस में ही। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो PO2 से डिनोट करते हैं, PO2 बोले तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो ये बात समझ आई। तो अपन इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले ये देखो कि एनवायरनमेंट के अंदर O2 ऑक्सीजन कितनी है, तो वो होती है 21%। तो देखो जो 100% के लिए, जो है 100% गैसेज के लिए कितना एनवायरनमेंट जो मरकरी लेवल वो कितना है, 760 mmHg। तो 1% के लिए कितना होगा, 760/100 mmHg। लेकिन अपन को कितने कितने के लिए निकालना है, 21% के लिए। तो 21% के लिए हो जाएगा 760/100 × 21, ये आएगा 159.6। तो आपको याद होना चाहिए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन PO2 कितना होता है, 159.6। अब बात करें ऐसे PN2, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। तो ये क्या होता है कि एनवायरनमेंट में ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले ये देखो एनवायरनमेंट में N2 कितना है, नाइट्रोजन कितना है। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है, ये बस में ही। तो एनवायरनमेंट में N2 सबसे ज़्यादा होता है, कितना होता है, 78%, ये बस में ही। तो 100% के लिए कितना होता है, 760 mmHg होता है, मतलब जो 100% गैसेज है उसके लिए 760 mmHg एनवायरनमेंट प्रेशर होगा। तो 1% के लिए कितना होगा, 760/100 mmHg। तो 78% के लिए क्या होगा, 760/100 × 78, तो ये आएगा 592.8। तो आपको याद होना चाहिए PN2 या पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है, 592.8। ऐसे ही जो PCO2 है वो आपको याद होना चाहिए कितना, 0.228 या फिर 0.003, ये होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ये बस नहीं। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो मायोग्लोबिन है उसका ग्राफ बना रखा है कि MbO2, मायोग्लोबिन और ऑक्सीजन बाइंड है। मायोग्लोबिन क्या होता है, रिजर्वायर ऑफ ऑक्सीजन होता है, और हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन होता है, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे नीचे क्या है, PO2 है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो उसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा। तो ऐसा जब भी ग्राफ आ जाए आपको पॉइंट पता होना चाहिए किसका होता है, मायोग्लोबिन होता है, और मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन से एफिनिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं Mb+OxygenO2, क्या बन जाएगा, MbO2, इसको बोलते हैं एसोसिएशन, ये बस मई। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे दो नाम है, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर। ये हम बाद में पढ़ेंगे कहाँ पे, एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर, फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। अब देखो इसके अलावा पॉइंट पढ़ते हैं, जैसे एक नाम आएगा बार बार, P50। P50 क्या होता है कि जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, कितना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन O2, जिसपे जो 50% हीमोग्लोबिन या जो मायोग्लोबिन है वो सेचूरेट हो जाए, मतलब जो 50% हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन है उनके साथ कौन बाइंड हो जाए, ऑक्सीजन बाइंड हो जाए, वो क्या होगा, P50, ये बस में। इतना पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब मायोग्लोबिन के बारे में तो बात कर ली थी, अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन सबसे पहले कहाँ पे मिलेगा, RBC में मिलता है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। फिर इसके अलावा क्या होता है कि RBC का प्रोडक्शन होता है, ये बस में। तो RBC का प्रोडक्शन किस में कैसे होता है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो जैसे जो एक एडल्ट बनेगा, ह्यूमन एडल्ट बनेगा, तो सबसे पहले क्या होता है, जायगोट बनता है, ये बस नहीं। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, जायगोट, फिर एम्ब्रियो बनता है, फिर फीटस और फिर एडल्ट, यही तो स्टेजेस होती है। तो जायगोट के अंदर तो RBC होती नहीं है क्योंकि सिंगल सेल्ड है, ये बस नहीं। फिर इसके अलावा जो एम्ब्रियो है उसमें जो RBC प्रोडक्शन होता है वो होता है योल्क के अंदर, कहाँ होता है, योल्क के अंदर होता है।
तो यहाँ पे जो आरबीसी बन रही है उसको, जो हीमोग्लोबिन है उसको हम लिखते हैं जीटा टू ईटा टू से, ये बस में ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, या दूसरा नाम बोलते हैं हीमोग्लोबिन गोवर। फिटनेस के अंदर है उसको लिखते हैं हीमोग्लोबिन एफ से, और क्या लिख सकते हैं अल्फा टू गामा टू, चार चेन होती है लेकिन अल्फा की दो और गामा की दो, और फिटनेस में जो आरबीसी प्रोडक्शन है वो होता है लीवर के अंदर। ऐसे ही बात करें एडल्ट की, तो एडल्ट में कहाँ होगा, बोन मेरो के अंदर होगा ये बस में, और इसमें चार चार सब यूनिट होती है, या तो क्या मिलेगा अल्फा टू बीटा टू, या मिलेगा अल्फा टू डेल्टा टू। तो जो मेजर है 98% वो होता है अल्फा टू बीटा टू, और उसको क्या लिखते हैं एच बी ए वन हीमोग्लोबिन ए वन। ऐसे ही जो अल्फा टू डेल्टा टू है ये बस में, वो क्या होता है माइनर, कितना 2% के आसपास होते हैं, और उसको लिखते हैं एच बी ए टू। तो जो एडल्ट है उसमें जो आरबीसी का प्रोडक्शन है वो कहाँ होता है, बोन मेरो में, ये आप सबको याद होना चाहिए। फिटस को एच बी एफ लिखते हैं, एम्ब्रियो में जो होता है उसको हीमोग्लोबिन गोवर बोलते हैं, एडल्ट में हीमोग्लोबिन ए वन या हीमोग्लोबिन ए टू बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे एक ग्राफ बना रखा है, उसमें लिख रखा है इधर तो आरबीसी का जो प्रोडक्शन रेट है वो लिख रखा है कि आरबीसी यहाँ बनेगी, और ये एज है कि मतलब कोई बच्चा है उसकी 10 साल की एज है, 20 साल 30 साल ऐसे। तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी, जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा, तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो जो आरबीसी का प्रोडक्शन है उसमें कौन हेल्प करेगा, टीबिया, फिर फीमर करेगा, फिर वर्टिब्रा ये बस में, फिर इसके अलावा रिब्स, और लास्ट तक बुढ़ापे तक कौन सा देता है, स्टर्नम। तो ये ग्राफ आपको याद है होना चाहिए, ये बस में इतना पॉइंट आ गया। अब इसके बाद बात करते हैं, एक नाम आता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जैसे मतलब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन आपस में कैसे डिसोसिएट होती है। तो यहाँ पे ग्राफ बना रखा है, जैसे हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन बाइंड होगा तो एच बी ओ टू बनेगा, और एच बी ओ टू वापिस हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन में डिसोसिएट हो सकती है, कहाँ पे, टिश्यू लेवल पे डिसोसिएट हो सकती है। ये जो है P50 है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जिस पे 50% हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन क्या हो जाए, सेचूरेट हो जाए, उनके साथ ऑक्सीजन बाइंड हो जाए। तो अगर ऐसा ग्राफ आ जाए, ये वाला ग्राफ, मतलब पहले बढ़ रहा है फिर सेचूरेट, ये होता है मायोग्लोबिन का। मायोग्लोबिन एक बात ध्यान रखना कि इसे कब काम करता है, लो कंसेंट्रेशन पे अच्छे से काम करता है। ऐसे जो दूसरा ग्राफ है वो देखो एस शेप है, सिग्मोइड्स कर्व है, तो जो सिग्मोइड कर्व है वो हमेशा किसका होगा, हीमोग्लोबिन होगा। हीमोग्लोबिन के बारे में ध्यान में, हाई कंसेंट्रेशन पे अच्छे से काम करता है। इस पे जो एक्स एक्सिस है उस पे क्या लिखा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो ये दोनों ग्राफ आपको पता होना चाहिए कि ये तो होता है मायोग्लोबिन का, ये एस शेप या सिग्मोइड कर्व होता है हीमोग्लोबिन के लिए। अब इसके बाद बात करें हीमोग्लोबिन के बारे में, कुछ पॉइंट्स हैं कि जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है किस मैनर में, कोऑपरेटिव मैनर में, ये बस में कोऑपरेटिव मैनर, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ चार ऑक्सीजन बाइंड करती है और मायोग्लोबिन के साथ ओनली एक करती है। तो जब हीमोग्लोबिन के साथ चार ऑक्सीजन बाइंड करती है, जो पहली बाइंड करती है ना वो दूसरी ऑक्सीजन को बाइंड करने में हेल्प करेगी, दूसरी जब बाइंड करेगी वो तीसरी को हेल्प करेगी ऑक्सीजन को बाइंड होने में, और जब तीसरी ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगी वो फोर्थ को हेल्प करेगी बाइंड होने में। इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव मैनर में, यहाँ से नेट में क्वेश्चन आता है। फोर ओ टू मॉलिक्यूल है वो बाइंड हो सकते हैं किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। होता क्या है कि जो कोऑपरेटिव मैनर है वो कैसे काम करता है, तो हीमोग्लोबिन की चार चेन है, अल्फा टू मतलब अल्फा की दो और बीटा की दो, ये पहले कैसे रहते हैं, चारों टेंस रहते हैं। जैसे ही ऑक्सीजन बाइंड किया तो ये ऊपर वाली फर्स्ट क्या हो जाती है, रिलैक्स, क्या हो जाती है रिलैक्स, और रिलैक्स के लिए ऑक्सीजन की एफिनिटी क्या होती है, ज़्यादा, और ये जैसे ही रिलैक्स होगी तो नीचे वाली चेन को भी क्या कर देगी, रिलैक्स। तो यहाँ भी कौन बाइंड होगा, ऑक्सीजन बाइंड होगा, जब यहाँ ऑक्सीजन बाइंड होगा तो थर्ड चेन है वो भी क्या हो जाएगी, रिलैक्स, तो इस पर भी ऑक्सीजन बाइंड, और फिर फोर्थ भी रिलैक्स। ऐसे ऑक्सीजन कोऑपरेटिव मैनर में काम करती है। O2 की जो एफिनिटी है वो रिलैक्स स्टेट के साथ ज़्यादा होती है, सीधी सी बात है, टेंस के साथ कम होती है, और ये क्या है, हीमोग्लोबिन, क्या है ये, हीमोग्लोबिन। अब बात करते हैं कुछ फैक्टर्स है जो O2 और जो हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है, ये बस है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है उसको कौन कौन अफेक्ट करते हैं, तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। लास्ट में कंक्लूजन है वो सीधा सीधा याद है रखना, यहाँ से नेट में 4 नंबर में क्वेश्चन आता है सी पार्ट के अंदर। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले टेम्परेचर, तो आपको याद रखना है टेम्परेचर जब जब बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो O2 और हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, उसकी एफिनिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, राइज इन टेम्परेचर बोल दो, राइज का मतलब बढ़ना। तो टेम्परेचर और एफिनिटी क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब बात करें पीएच की, तो पीएच के मामले में जब पीएच बढ़ेगी तो एफिनिटी बढ़ेगी, और पीएच कम तो एफिनिटी कम, मतलब ओनली है ना ये एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएच है, और सबसे इनवर्स है, सबसे इनवर्स है ये बस है। तो पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी, ये बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा, ये कम तो ये कम। ऐसे ही बात करें कि पीएच इंक्रीज, तो पीएच इंक्रीज का मतलब एच प्लस डिक्रीज, और
और देखो एच प्लस कम हो रहे हैं तो एफिनिटी बढ़ेगी, तो एच प्लस और एफिनिटी का भी क्या है इनवर्स प्रोपोर्शनल है, मतलब वो भी क्या हुआ एच प्लस कम एफिनिटी बढ़ेगी, एच प्लस ज़्यादा तो एफिनिटी कम, सबका इनवर्स प्रोपोर्शनल है। ओनली पीएच क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब पीएच बढ़ी तो एफिनिटी बढ़ेगी, पीएच कम तो एफिनिटी कम। इतनी बात में आ गई। अब इसके बाद बात करें 2,3-BPC की, 2,3-बिस्फोस्फोग्लिसरिक एसिड की बात करें, तो अगर ये बीपीजी बढ़ा तो एफिनिटी कम होगी, और बीपीजी कम तो एफिनिटी बढ़ेगी, मतलब बीपीजी भी क्या है इनवर्स प्रोपोर्शनल टू है एफिनिटी। ये सारे आपको फैक्टर पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। ओनली पीएच के डायरेक्टली और सब के क्या है इनवर्स प्रोपोर्शनल है। अब देखो यहाँ पे ना आरबीसी के बारे में एक पॉइंट लिख रखा है कि आरबीसी में क्या होता है कि फ्रक्टोज 1,6-बिस्फोस्फेट किस में बनता है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, 3 PGL प्लस DHCP डाईहाइड्रोजिल एसीटोन फोस्फेट और ये फोस्फोग्लिसराल्डिहाइड। अब देखो इसी के बाद 1,3-BPG बनता था और फिर 3 PG बनता था, लेकिन आरबीसी के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे काइनेज आता है तो इस 3 PGL और DHCP को 2,3-BPG में चेंज कर देता है, ये बस में, और 2,3-BPG अगर बना तो एफिनिटी क्या हो जाती है कम। बाद में इसे फोस्फेट आ जाएगा, मतलब फोस्फेट रिमूव होगा और इसे क्या बन जाएगा 1,3-BPC, तो मतलब ये साइड रिएक्शन और चलती है, इसको बोलते हैं रेपोपोर्ट ल्यूबरिंग शंट। तो रेपोपोर्ट ल्यूबरिंग शंट है वो किस में चलता है आरबीसी में चलता है, और होता क्या है 2,3-BPG का बनना है क्या है रेपोपोर्ट ल्यूबरिंग शंट। अब देखो जो फोर्थ जो फैक्टर है वो क्या है एल्टीट्यूड, मतलब ऊंचाई, जैसे पहाड़ों पे एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है पहाड़ों का, तो एल्टीट्यूड जब बढ़ता है तो उसकी एफिनिटी क्या होती है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की डिक्रीज, मतलब ये भी क्या है इनवर्स प्रोपोर्शनल, सिर्फ पीएच डायरेक्ट है और सब क्या है इनवर्स। हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है पार्शियल प्रेशर कम होता है, उसकी वजह से एफिनिटी क्या हो जाती है कम, ये बस में, इसकी एफिनिटी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की। CO2 कैसी होती है एसिडिक होती है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रख सकते हो, ये बस में। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे एक फैक्टर हो रहा है जैसे एच प्लस जब बढ़ेंगे तो पीएच क्या होगा कम, और पीएच कम तो क्या हो गया एफिनिटी डिक्रीज। तो देखो पीएच और एफिनिटी तो डायरेक्टली है, पीएच कम तो एफिनिटी डिक्रीज, लेकिन एच प्लस और एफिनिटी इनवर्स है, मतलब एच प्लस बढ़े तो एफिनिटी डिक्रीज, मतलब सब इनवर्स है, ओनली पीएच क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सबके साथ क्या है इनवर्स। अब देखो इसके बारे में ग्राफ आता है कि जो फैक्टर सभी पढ़े जो O2 और हीमोग्लोबिन एफिनिटी को अफेक्ट करते हैं उसका एक ग्राफ है, तो ये ग्राफ कैसे है ये देखो, यहाँ पे तो है HbO2, Hb हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बाइंड है साथ में, और ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और ये P50 है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जिसपे 50% जो हीमोग्लोबिन है वो क्या हो जाए सेचूरेट हो जाए, उनके साथ ऑक्सीजन बाइंड हो जाए, तो इसका एस शेप होता है सिग्मोइड शेप आता है। अगर मान लो कोई फैक्टर हुआ और उससे एफिनिटी बढ़ी तो ये जो ग्राफ है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, कहाँ ऊपर की तरफ, मतलब जो ऊपर ग्राफ होते हैं उनकी एफिनिटी क्या होगी ज़्यादा। अगर इन फैक्टर की वजह से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की एफिनिटी कम हुई, लो एफिनिटी हुई, तो ग्राफ कहाँ आएगा नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। इतनी बात में आई, ये पॉइंट आपको अच्छे से आना चाहिए क्योंकि सी पार्ट के अंदर 4 नंबर के अंदर क्वेश्चन आता है। अब देखो एक्चुअली में बात क्या है कि जैसे मान लो ये HbO2 है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बाइंड है, और ये PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो देखो अगर मान लो टेम्परेचर हाई हुआ तो एफिनिटी डिक्रीज होगी, और एफिनिटी डिक्रीज होगी तो ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। अगर पीएच कम है तो एफिनिटी भी कम, अगर एफिनिटी कम तो ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। हाई बीपीजी तो एफिनिटी कम, तो एफिनिटी कम वो भी क्या होगा ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। हाई एल्टीट्यूड ऊंचाई बड़ी तो भी एफिनिटी किसकी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की कम, तो भी ग्राफ कहाँ शिफ्ट होगा नीचे। तो ये चार चार फैक्टर जो ग्राफ को कहाँ नीचे की तरफ शिफ्ट करते हैं। अब देखो ऐसे ही एक ग्राफ हो रहा है HbO2 और PO2 का, ये बस में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन O2 का, तो यहाँ देखो अगर टेम्परेचर कम तो एफिनिटी ज़्यादा, हाई पीएच एफिनिटी ज़्यादा, लो बीपीजी एफिनिटी ज़्यादा, लो एल्टीट्यूड एफिनिटी बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन भी क्या होगी ज़्यादा। चारों फैक्टर एफिनिटी को बढ़ाते हैं, और जो एफिनिटी को बढ़ाएंगे वो क्या कहेंगे ग्राफ को ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है जो एम्ब्रियो के जो हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है ये बस में वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो एडल्ट के जो हीमोग्लोबिन है उसकी एफिनिटी O2 के साथ होती है, मतलब एम्ब्रियो के हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि वो मम्मी के ब्लड में से भी क्या ले लेता है ऑक्सीजन, ये बस में। और जो एडल्ट के जो हीमोग्लोबिन है उसकी एफिनिटी क्या होगी O2 के साथ थोड़ी कम होगी एज़ कम्पेयर टू एम्ब्रियो। अब यहाँ पे दो नाम लिख रहे हैं, एक है एक्लिमेटाइजेशन और एक है इवोल्यूशन या अडेप्टेशन। तो एक्लेमेटाइजेशन क्या होता है जैसे मान लो कोई पर्सन है वो पहाड़ पे गया तो उसके लिए क्या हो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, कभी कभार होता है कि आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ गया ये बस में, तो ये क्या हो गया एक्लेमेटाइजेशन। ऐसे इवोल्यूशन या अडेप्टेशन की बात करें तो ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है, एक लंबे समय के लिए होता है, मतलब कोई एनी टाइम पर्वत पर रह रहा है तो उसकी जो कंडीशन है वो उस हिसाब से फिजियोलॉजी सेट हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई।
अब इसके बाद देखो, ये मैंने पॉइंट बता ही दिया ऊपर जो बता दिया, एम्ब्रियो और एडल्ट में तो होगी एम्ब्रियो की ज़्यादा। अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन है उसकी जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के साथ, उसको लिखते हैं HbA से, उसकी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू किसी की सिकल सेल वाली है। ये बस में सिकल सेल एनीमिया होता है, RBC की जो सेप है वो सिकल जैसी हाशियाकार जैसी हो जाती है, तो सिकल सेल हीमोग्लोबिन को लिखते हैं HbS से। तो HbA की एफिनिटी है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू सिकल सेल, क्योंकि सिकल सेल क्या है, डिजीज है ये बस में, तो इससे एफिनिटी क्या हो जाती है, कम। ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। तो अभी जो बता रहे थे उसके बारे में जो ग्राफ है वो कैसे आएगा, कि जैसे दो ग्राफ बना दिए, ये बस वो पूछेगा ऊपर वाला कौन सा है नीचे वाला कौन सा है। तो देखो, एक होता है एम्ब्रियो हीमोग्लोबिन, एक होता है एडल्ट हीमोग्लोबिन। एम्ब्रियो हीमोग्लोबिन जी टाई टू ईटा टू से, और एडल्ट हीमोग्लोबिन को लिख सकते हैं एल्फा टू बीटा टू से। तो देखो, एम्ब्रियो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ज़्यादा होती है, सीधी सी बात है, क्योंकि मम्मी के ब्लड से भी वो क्या ले लेता है, ऑक्सीजन। तो इनका जो ग्राफ है वो ऊपर आएगा, क्योंकि इनकी एफिनिटी क्या है, ज़्यादा ये बस में। और इनका एडल्ट हीमोग्लोबिन का नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि इनकी एफिनिटी क्या है, कम। तो मोर एफिनिटी वाला ऊपर रहेगा, लेस एफिनिटी वाला नीचे रहेगा। सीधा सा पॉइंट याद है रखना है। अब देखो, यहाँ पे दो ग्राफ और दे रखे हैं, जैसे ये ग्राफ आ जाए तो आपको सबसे अच्छा याद रखना है कि सबसे ज़्यादा एफिनिटी होती है मायोग्लोबिन की, किसकी, मायोग्लोबिन की। उसके बाद किसका आएगा, नॉर्मल हीमोग्लोबिन HbA की, फिर उससे कम जो पेशेंट की है ये बस में HbC, और सबसे कम याद रखना है सिकल सेल वाली RBC की होती है HbS। ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, जो सबसे ऊपर होगा उसकी एफिनिटी क्या होगी सबसे ज़्यादा, और जो सबसे नीचे होगा उसकी एफिनिटी क्या होगी सबसे कम। ऐसे ये भी पूछ सकता है, ऐसे अगर आप इनके चार नंबर में ABC लिख देगा तो आपको याद रखना है मायोग्लोबिन की सबसे ज़्यादा एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ ये बस में। फिर उसके बाद जो फीटल हीमोग्लोबिन है उसकी भी क्या होगी, एफिनिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू एडल्ट हीमोग्लोबिन। तो सिक्वेंस कैसे बनेगा, ये ऊपर ऊपर वाला ग्राफ मायोग्लोबिन का, फिर फीटल हीमोग्लोबिन का, फिर एडल्ट हीमोग्लोबिन की एफिनिटी क्या होती है ऑक्सीजन के लिए, कम। तो ये क्वेश्चन भी नेट के अंदर आ सकता है ये बस में। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब RS कैरियन इंस्टीट्यूट बायोलॉजी, एंड थैंक यू बच्चों।